1 teaspoon lal mirch, 1 teaspoon namak, 1/2 teaspoon haldi, 1/2 teaspoon sukha dhaniya, 1/2 teaspoon crush mirch, aur garam masale mein 2 bari elachi, kali mirch, dalchini, long, 3 choti elachiyan aur 6 tablespoon dahi ke. सबसे पहले एक पतीली लें और उसमें ऑयल डालें. जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो उसमें प्याज डाल दें. आप देखें जब प्याज जरा सा नरम होता है तो उसमें आप लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दें. लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लें. फिर इसमें बोनलेस चिकन डाल दें. चिकन डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकने देंगे. जब देखेंगे कि चिकन की रंगत थोड़ी बदल गई है तो फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे. हम सबसे पहले टमाटर डालेंगे और टमाटरों को चिकन के साथ 5 मिनट पकने देंगे. अब देखें कि टमाटर बिल्कुल गल गया है. अब हम इसमें मसाले डालेंगे. सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे जो कि 1 टीस्पून है, मिर्च 1 टीस्पून, अब हम हल्दी डालेंगे जो कि 1/2 टीस्पून है, और इसके बाद हम क्रश मिर्च डालेंगे जो कि वो भी 1/2 ही टी स्पून है. क्रश मिर्चों के बाद अब हम सूखा धनिया पीसा हुआ डालेंगे जो कि 1/2 टी स्पून है. गरम मसाला डालेंगे जिसमें 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, 2 छोटी इलायची है. गरम मसाला डालने के बाद चिकन को 5 मिनट पकने दें और इसको अच्छी तरह भून लें. भूनने के बाद इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही 6 टेबलस्पून दही के भी डाल देंगे. हरी मिर्चें और दही डालने के बाद आपने इन दोनों को इकट्ठा अच्छी तरह भून लेना है. दही भूनने के बाद इसमें हरा धनिया डालें और साथ ही कटा हुआ अदरक भी डाल दें. अब चिकन तैयार है. इसको डिश में डालें और सर्व करें.